हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप में हम शेयर को किस तरीके से खरीद सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप ग्रो एप्लीकेशन को पहली बार यूज कर रहे हैं या फिर आप पहली बार यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होगी, क्योंकि अन्य वीडियो के मुकाबले इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं जो कि आपको अन्य वीडियोस में नहीं बताई गई होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यह है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना अमाउंट दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 19,000 मेरा अमाउंट है, जो कि आप यहीं से ही ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हम सबसे पहले इसमें पैसे को ऐड कर लें और उसके बाद में हम SIP या फिर म्यूचुअल फंड को हम यहाँ से यानी कि बाय कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप इसमें पैसे को ऐड करते हैं तो कहने का मतलब है आप स्टॉक यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, पर यहां पर SIP या फिर म्यूचुअल फंड में यानी कि ग्रो वॉलेट में से पैसे को आप यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपका पैसा ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में है तो उससे आप ना तो SIP शुरू कर सकते हैं ना तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट यानी कि जुलाई में आया था 2022 में। तो उसके बाद ये है कि इसमें ये बदलाव हो गया है कि ना तो आप यहाँ पर कहने का मतलब है वॉलेट में अगर आपके पैसे हैं ना तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं ना तो आप SIP खरीद सकते हैं। अगर आप SIP म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको जो भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ SBI कंट्रा, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसकी जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर मैं वन टाइम सिंपली क्लिक करता हूँ तो कहने का मतलब है अब हमें यहाँ पर अपना जो अमाउंट है वो अलग से ही ऐड करना होगा UPI के थ्रू या फिर गूगल पे के थ्रू, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर आपको स्टॉक खरीद कर दिखाने वाला हूँ किस तरीके से खरीदते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कि आप पैसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और पैसे को ऐड आपको कब करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने जैसे कि कुछ चीज़ों की यहाँ पर लिस्ट बना ली, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने एक यहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट बना ली है, जैसे कि प्रेम, ठीक है, शंकर, और यहाँ पर मुझे ख़रीदना है जैसे कि एंजल वन का, ठीक है। उसके बाद में मैं ये देखूँगा जोमोटो का, ये अगर मुझे सही लग रहा है बाद में तो मैं इसे ख़रीद लूँगा, ठीक है। पर यहाँ पर हम जब भी ख़रीद रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से अभी इसका जो ग्राफ है वो चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर एक दिन में देख रहे हैं 1.5 रुपये है, और यहाँ पर कहने का मतलब है एक वीक में 76, एक मंथ में 108, ईयरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, चूँकि इसके प्राइस बढ़ रहे हैं और आप यहाँ पर सब कुछ ग्राफ वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे ख़रीदने के लिए आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं, जो इसका 2 डे का लो प्राइस है वो कितना है, यानी कि 2500 यहां पर 82 रुपये तक गया है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं जो कि हाई गया है 2 डे का, यानी कि 2753.80 रुपये, और इसका वीकली यानी कि वीक में 1824 तक गया है, यानी कि लो प्राइस। तो कहने का मतलब ठीक है इस समय, ठीक है, तो हम इसे ख़रीद लेते हैं अभी, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पर बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेना है, जैसे कि यहाँ पर डिलीवरी और यहाँ पर इंट्राडे, ठीक है। यानी कि इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप इंट्राडे को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो कहने का मतलब है आप आज ही खरीद रहे हैं और आज ही बेचेंगे, ठीक है। पर हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि अगर आज प्रॉफिट यहाँ पर न हुआ तो हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है तो भाई हम कल को देख लेंगे या फिर एक आध हफ्ते बाद देख लेंगे, तो इस तरीके से हम डिलीवरी में ही खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर कितने यूनिट को बाय करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि 2000 का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 या फिर 9 यूनिट को बाय कर लेता हूँ, ठीक है, 9 × 2 = 18, या फिर आप यहाँ पर जितने का भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे कि 21,250, यानी कि 2700 कुछ रुपए का है ये, यानी कि एक इसका शेयर, तो मैं यहाँ पर ख़रीदूँगा अभी 6, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जैसे कि
जो प्राइस है, ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हैं 16,256 रुपए के ये हो रहे हैं शेयर, ठीक है। और मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है 19,000, ठीक है। तो मैं इसे खरीद सकता हूँ मार्केटिंग के ही प्राइस पर। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम जिसके प्राइस हैं वो कम हो तब ख़रीदें, ठीक है, तब भी आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल इसे यहाँ पर मार्केटिंग के ही प्राइस पर ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, अगर ये 13,500 कुछ रुपए के हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं फ़िलहाल तो 5 ही यहाँ बाय कर लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर जो कि सक्सेसफुलवर्क हो चुका है। आप यहाँ पर रेटिंग देना चाहें तो रेटिंग देख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने शेयर खरीदे हैं, सीधी सी बात है, तो उसमें तो कोई झोल झमेला होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे चेक करेंगे, ठीक है, जो हमने शेयर खरीदे हैं एंजल वन देख सक पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने खरीदे हैं तो आपको यहाँ पर अभी यानी कि थोड़ा बहुत नीचे ऊपर देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में आप प्रोफाइल पर जाएंगे, ऑर्डर पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना शेयर देख सकते हैं, जैसे कि 5 शेयर हमने खरीदे हैं। अब जो इसके शेयर की जो वैल्यू वगैरह होगी वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं। और आप यहाँ पर जैसे कि अभी डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि होल्डिंग में जाएंगे तो आपकी जो शेयर की वैल्यू होगी, जैसे कि माइनस अधिक, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों मैं तो आपको कहूँगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म में ख़रीद रहे हैं तो आप शेयर ना खरीद कर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करें, उसमें रिस्क बहुत कम है, ठीक है, पर इसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर आप नहीं जानते हैं तब आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा यानी कि लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आपकी इच्छा है और आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी राय है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में अपना बैलेंस है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।